मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील गंज बासुदा में पिछले दिनों युवा शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र भदौरिया एवं उनके साथ युवा शिवसेना के प्रदेश महासचिव प्रताप सिंह तोमर का जिले के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ठाकुर एवं जिला उपाध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र लोधी द्वारा नगर के प्रथम आगमन पर स्वागत किया गया। इसके बाद गंजवासुदा नगर की जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि विदिशा जिले के गंजवासुदा तहसील में राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ऐसी अनेकों जटिल समस्याएं जिसके कारण अनेकों मरीजों को अपने रोगों का इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है। राजीव गांधी जन चिकित्सालय में ऐसी जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसे डिजिटल एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन। स्टाफ की कमी होने के कारण रोगियों को अनेकों जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गंजवासुदा में नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है, कलहारियों द्वारा खुली अवैध शराब बेची जा रही है। इन सबको तुरंत कार्रवाई करके रोकना चाहिए। देखिए कैमरामैन अमित के साथ खबर एसएस के लिए विकास की गंजवासुदा से एक रिपोर्ट।